अयोध्या में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा में अब कुछ ही दिन बचे हैं और पूरे भारत में उत्साह और नवीनीकरण का माहौल बन गया है। हर भारतीय इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनना चाहता है और इसी भावना के साथ हलवा समाज मूर्तिकार संघ द्वारा नागपुर में राम का 41 फुट का कटआउट बनाया जा रहा है। खास बात यह है कि छपाई के इस दौर में आकर्षक रंग योजना का उपयोग कर हाथ से बनाया गया यह श्री राम का कटआउट हलवा मूर्तिकार संघ द्वारा बनाया जा रहा है। 41 फीट का यह कटआउट नागरिकों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। हलवा संघ की ओर से बताया गया है कि 22 तारीख को जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होगी उसी समय गोलीबार चौक पर इस कटआउट की विधिवत पूजा अर्चना की जाएगी। हर राम भक्त अपने रामलला के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। कोई राम मंदिर बना रहे हैं तो कोई रंगोली से राम की प्रतिकृति बना रहे हैं और इसी श्रृंखला में शहर के हलवा समाज मूर्तिकार संघ की ओर से रामलला का 41 फीट का कटआउट हाथ से बना रहे हैं जो इस समय एक आकर्षण का केंद्र बन रहा है। तो आइए जानते हैं कलाकार से इस बारे में। हलवा समाज मूर्तिकार संघ मय सचिव दीपक पाटेकर, हमारी संस्था की तरफ से सभी कलाकार मिलकर हम एक भव्य और दिव्य कटआउट का निर्माण कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि राम लल्ला की प्रतिमा जो स्वयं अयोध्या में बन रही है या विराजमान हो रही है उसके उपलक्ष्य में हम भव्य और दिव्य कटआउट का निर्माण कर रहे हैं जो एक 40 फुट ऊंचा कटआउट रहेगा और उसकी जो आड़ी है वो 25 फुट रहेगी। हमारे सभी कलाकार इसमें बहुत सहयोगी है और इसका उद्देश्य है कि हमारे जो युवा कलाकार है, हमारे जैसे युवा कलाकार है, हमारे समाज के युवा कलाकार है और अभी सभी जातियों के जो कलाकार है वो सभी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनका सभी का सहयोग है। कितने कलाकारों ने इसके लिए मेहनत की है, क्या बताना चाहेंगे आप? इन्हें यहाँ पे बहुत ही सभी कलाकारों ने मेहनत की है, कम से कम यहाँ पे सभी धर्म और सभी प्रांत के कलाकार जुड़े हुए हैं। यहाँ के कलाकार बोले तो फिर भी 80 और 85 कलाकार मिलकर हम सब सहयोग कर रहे हैं। तो आपने देखा कि किस तरह कलाकारों ने रामलला के लिए अपनी श्रद्धा अर्पित की है। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश भारद्वाज के साथ मैं भाग्यश्री, NBC न्यूज़।